Good morning, everyone. Welcome back to the video series of Vivekananda Public School. This is next and fifth video, we can say, on active and passive voice. पिछले चार वीडियोस में हमने 10 से डिफरेंट टाइप्स के एक्टिव टू पैसिव वॉइस को बनाना सीखा. उसके आगे हम अब बढ़ाएंगे, अपने वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे. पिछले वीडियोस में हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, इनके वीडियोस बनाए. इनके ऊपर हमने समझा एग्जाम्पल्स के थ्रू. और आपको मैंने ये भी बताया कि प्रेजेंट का जो फोर्थ टाइप होता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसी तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनके पैसिव नहीं बनाए जाते हैं. इसी तरह जब हम फ्यूचर टेंस के पैसिव बनाने आते हैं, तो फ्यूचर में भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव नहीं बनाए जाते हैं. यानी फ्यूचर टाइप में हमें केवल फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव बनाने होते हैं. तो आइए अब हम फ्यूचर के पैसिव्स को समझते हैं. आप जानते हैं फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब्स शैल और विल होती है. शैल और विल से एक्टिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, जो हमें टेंस समझने पर आसानी से समझ आ जाते हैं. एग्जांपल के लिए हमने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं, उन्हें आप देखिए. फ्यूचर सिंपल में हमारा पहला एक्टिव सेंटेंस है, आई विल सिंग अ सॉन्ग. आप हमेशा की तरह जानते हैं, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना होता है, जो कि यहाँ पर आई है. इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, जो कि विल है, सिंग वर्ब है, और सॉन्ग ऑब्जेक्ट है. इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाना होता है. ए जो यहाँ एक्टिव स्मॉल है, वो बेसिक बनाते वक्त कैपिटल हो जाएगा. ए सॉन्ग विल की जगह पर विल बी का यूज होगा. आप जानते हैं प्रेजेंट में हम बीइंग और बीइंग का यूज करते थे, इसी तरह मॉडल्स के टाइम पर, यानी जब हम मॉडल्स के सेंटेंसेस का पैसिव बनाएंगे तो बी का, और इसी तरह फ्यूचर के सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो भी बी का यूज होगा. तो विल या शैल, विल बी और शैल बी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस तरह अ सॉन्ग विल बी सिंग का थर्ड फॉर्म. आप जानते हैं ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म इन पैसिव सेंटेंसेस. तो सिंग का संग हो जाएगा और आई जो है ऑब्जेक्ट के तौर पर पीछे चला जाएगा सेंटेंस में, तो वो हो जाएगा बाय मी. तो आप देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, अ सॉन्ग विल बी संग बाय मी. इसी तरह हम एक और सेंटेंस देखें, शी विल टेक मी टू द स्टेशन. इसमें शी सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, टेक वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, टू द स्टेशन अदर वर्ड्स है. जब हम इसका पैसिव में कन्वर्जन करेंगे तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना होगा. यहाँ मी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि स्टेशन किसको ले जाया जा रहा है, मुझे, यानी मी को. मी जब आगे आएगा तो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आगे आकर सब्जेक्ट हो जाता है. आई विल की जगह पर विल बी, टेक द थर्ड फॉर्म टेकन, टू द स्टेशन बाय हर. शी जब पीछे जाएगा तो हर हो जाएगा. और आप जानते हैं आप अदर वर्ड्स बाय सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, या पहले बाय सब्जेक्ट फिर अदर वर्ड्स भी कर सकते हैं. यहां हमने पहले अदर वर्ड्स को लिया है, फिर बाय हर किया है. ये हर कहां से आया, शी जो है पैसिव सेंटेंस में आकर ऑब्जेक्ट बन जाता है और हर में कन्वर्ट हो जाता है. तो हमारा आंसर होगा आई विल बी टेकन टू द स्टेशन बाय हर. इस तरह ये फ्यूचर सिंपल के एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है. सारे रूल्स पहले की तरह ही रहेंगे, सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब्स को समझना होता है. इसके बाद आप देखिए फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि इसके बाद जो सेकंड टाइप है, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, उसका पैसिव नहीं बनता है. तो डायरेक्ट हम थर्ड टाइप यानी फ्यूचर परफेक्ट को अब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे. इसका हमने एक ही सेंटेंस एग्जाम्पल में लिया है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी अक्सर एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता. फिर भी नॉलेज के लिए हम एक इसका टाइप समझ लेते हैं. फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव सेंटेंस है, वी विल हैव रिटन दिस पेज बाय टुमारो. यहां पर सब्जेक्ट वी है, हेल्पिंग वर्ब विल हैव है, रिटन यानी राइट इसका थर्ड फॉर्म, यहां पर वर्ब है, दिस पेज ऑब्जेक्ट है, बाय टुमारो अदर वर्ड्स है. जब हम इसका पैसिव में कन्वर्जन करेंगे तो सबसे पहले एक्टिव सेंटेंस से ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा. यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिस पेज है, क्योंकि जो हम लिखने का काम कर रहे हैं, यानी जो वर्ब हो रही है, वो क्या रिजल्ट लाएगी, पेज को लिखने का रिजल्ट लाएगी. तो
पेज हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस यहां जाकर टी कैपिटल हो जाएगा, दिस पेज विल हैव के साथ बीन लग जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं परफेक्ट में बीन का यूज होता है और कंटिन्यूअस में बीन का यूज होता है, ये फ्यूचर परफेक्ट है इसलिए इसमें बीन डबल ई एंड बीन का यूज होगा और विल हैव के साथ बीन लगा दिया जाएगा। दिस पेज विल हैव बीन रिटर्न, थर्ड फॉर्म है, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म, इसलिए रिटर्न का रिटर्न ही रहेगा। बाय टुमारो बाय अस, वी का ऑब्जेक्ट पीछे जाकर अस बन जाएगा यानी पैसिव में बाय अस हो जाएगा। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन होगा, दिस पेज विल हैव बीन रिटन बाय टुमारो बाय अस, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं बाय अस बाय टुमारो, दोनों ही तरीके सही होंगे। इनमें ऐसे सेंटेंसेस भी हो सकते हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट्स हो, दोनों ऑब्जेक्ट्स में से आप फर्स्ट या सेकंड किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज करके पैसिव में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ स्पेशल टाइप्स को हम समझते हैं, ये टेंस के टाइप्स थे। इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब्स यानी मॉडल वर्ब्स के टाइप्स को। मैंने आपको बताया जब आप मॉडल वर्ब्स के एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करें तो बी का यूज करें, बी ई बी। आप देखिए हमारा एक्टिव सेंटेंस, हमारी मॉडल वर्ब हम इसमें लेते हैं मे, एम ए वाई, आप जानते हैं मे का यूज पॉसिबिलिटी परमिशन इस तरह की चीजों में इनको इन मूड्स को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। आवर टीम मे विन द मैच, यहां आवर टीम सब्जेक्ट है, मे ऑक्सिलियरी यानी मॉडल वर्ब है, विन द मैच आगे का सेंटेंस है यानी रेस्ट ऑफ द पार्ट है। जब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम सबसे पहले एक्टिव सेंटेंस से हमेशा की तरह ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके सबसे आगे ले आएंगे और यहाँ ऑब्जेक्ट मैच है तो द मैच से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा, मे के साथ बी का यूज होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया ऑक्सिलियरी वर्ब के पैसिव बनाते वक्त हमें उस ऑक्सिलियरी वर्ब के साथ बी को लगाना होता है। द मैच मे बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक्टिव सेंटेंस में वर्ब विन है इसलिए विन का थर्ड फॉर्म विन वॉन वॉन हो जाएगा, डब्ल्यू ओ एन। दिस मैच मे बी वॉन बाय आवर टीम, क्योंकि आवर टीम हमारा सब्जेक्ट है और पैसिव में जाकर वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हमारा सॉल्यूशन होगा द मैच मे बी वॉन बाय आवर टीम। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स को चेंज कर देते हैं। एक्टिव में हम मस्ट को लेते हैं और हमारा सेंटेंस है यू मस्ट नॉट डू इट, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ यू हमारा सब्जेक्ट है, मस्ट हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, नॉट डू इट आगे का रेस्ट ऑफ द पार्ट है। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो यहाँ इट जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, हमारी कैपिटल हो जाएगा इट मस्ट। अब चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो मस्ट के साथ नॉट रहेगा, इट मस्ट नॉट बी हमेशा की तरह यूज होगा। मॉडल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स का पैसिव बनाते वक्त हमें बी का यूज करना होता है। इट मस्ट नॉट बी डन, डू का थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा क्योंकि हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म। इट मस्ट नॉट बी डन बाय यू, यू का सब्जेक्ट भी यू ही होता है और ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन होगा इट मस्ट नॉट बी डन बाय यू। ये प्रैक्टिस आप करें, पिछले वीडियो में मैंने आपको 10 सेंटेंसेस एज अ होमवर्क दिए थे, आप उन्हें करके देखें और व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करें, हमें इस चीज से पता चल जाएगा कि यू आर गेटिंग दिस वेरी वेल, आप इसको अच्छे से समझ रहे हैं, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। इसके बाद हम एक और स्पेशल टाइप देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जिन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस एक तरह से आज्ञा सूचक सेंटेंस होते हैं, कभी कभी इनमें प्लीज या ऐसे कोई वर्ड्स ऐड करके इन्हें रिक्वेस्ट या हम यूं कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश में बदल दिया जाता है, पर इंपरेटिव सेंटेंसेस मेनली आदेशात्मक होते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है, हमारा फर्स्ट इंपरेटिव सेंटेंस है रीड दिस स्टोरी, ये आप जानते हैं एक तरह से आज्ञा सूचक है यानी हम किसी को स्टोरी पढ़ने के लिए कह रहे हैं या उसे निर्देश दिया जा रहा है या आदेश दिया जा रहा है। Read this story. अगर हम इसका पैसिव बनाएं तो हमें इसमें let, let की आवश्यकता होती है। जब भी sentence verb से start हो, आप उसका पैसिव बनाते वक्त let से उसे start करें। Let के बाद object ले, यानी हमारा object है this story, तो हमारा पैसिव होगा let this story be का यूज करें, let this story be और read का थर्ड फॉर्म, हमेशा की तरह पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म। रीड की स्पेलिंग तो वही होती है पर प्रोनंसिएशन रेड हो जाता है, तो हमारा पैसिव होगा let this story be read।
अगर हम इसे इंपरेटिव ही रहने देना चाहते हैं, यानी आदेशात्मक टाइप का ही रहने देना चाहते हैं, तो हम नेट का यूज करें, अन्यथा अगर कोई अलग अर्थ निकले या निकालना चाहे तो उसमें शुड बी का भी यूज कर सकते हैं, दिस स्टोरी शुड बी रेड, पर हमें जो सॉल्यूशन करना होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लेट वाला टाइप ही हमें यूज करना पड़ता है। फिर से देखिए हमारा सेंटेंस है रीड दिस स्टोरी, रीड यहाँ पर वर्ब है और दिस स्टोरी जो है ऑब्जेक्ट है, इसमें वैसे यू छुपा हुआ होता है क्योंकि जब किसी को कोई निर्देश या आदेश दिया जाता है तो वो सामने वाले व्यक्ति को ही दिया जाता है, इसमें यू जो होता है हिडन होता है। तो रीड दिस स्टोरी वर्ब से स्टार्ट है और जब ऐसा सेंटेंस आए तो लेट का यूज करें, सबसे पहले लेट का यूज करके एल कैपिटल रखें, लेट के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करें, यहां पर ऑब्जेक्ट दिस स्टोरी था तो लेट दिस स्टोरी, फिर बी का यूज करें बी और रीड का थर्ड फॉर्म रेड, लेट दिस स्टोरी बी रेड। इसके बाद एक और एग्जाम्पल से हम समझें, अगर मान लीजिए हम इस पे प्लीज लगा दें तो ये रिक्वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए हमारा सेंटेंस है सिट डाउन, ये एक तरह से आदेशात्मक है, एक ऑर्डर है या इंस्ट्रक्शन है, अगर हम इसे रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हम प्लीज ऐड कर देंगे और ये एक रिक्वेस्ट में बदल जाएगा, तो हमारा सेंटेंस होगा प्लीज सिट डाउन, यहां पर सिट वर्ब है, सिट डाउन वर्ब है कंप्लीट। अब इसका बेसिक बनाते वक्त हमें उस छुपे हुए सब्जेक्ट का यूज करना होगा, क्योंकि हम सिट डाउन किससे कह रहे हैं, यू से यानी तुम से जो सामने खड़ा हुआ है, तो हम यू का यहां पर यूज करेंगे और यू के साथ प्रेजेंट में आने वाला हेल्पिंग वर्ब होता है आर, यहां पर हमें टू बी वर्ब की आवश्यकता होती है, टू बी वर्ब प्रेजेंट में इज़ आर होती है, पास्ट में वाज़ वेयर होती है और फ्यूचर में विल बी शैल बी होती है, तो हमें प्रेजेंट की टू बी वर्ब चाहिए होगी जो कि इज एम आर होती है, यहाँ पर हमें आर की आवश्यकता ही होगी क्योंकि हम जब किसी को निर्देश या आदेश देते हैं तो तुम को यानी सामने खड़े हुए व्यक्ति को ही देते हैं, जिससे तुम या आप कहकर संबोधित किया जाता है। तो जब हम प्लीज सिट डाउन कहते हैं तो इसका मतलब होता है यू प्लीज सिट डाउन या प्लीज यू सिट डाउन, यू जो होता है हिडन होता है, तो हम यहाँ पर यू को यूज करेंगे, यू के बाद आर लगाएंगे और चूंकि प्लीज है यानी एक रिक्वेस्ट है तो हम इसे रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर देंगे कि तुमसे ये रिक्वेस्ट की जा रही है, यू आर रिक्वेस्टेड, उससे आपसे ये रिक्वेस्ट की जाती है इस चीज के लिए टू सिट डाउन, बैठने के लिए, तो हमारा सेंटेंस होगा यानी हमारा बेसिक सेंटेंस होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन का यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, हम इसमें रिक्वेस्टेड हटाकर You are instructed भी कर सकते हैं अगर निर्देश दिया जा रहा है तो, depend situation पर करता है कि वो order है, निर्देश है या यानी instruction है या request है, उस according ordered, requested, instructed ऐसे शब्दों का use किया जा सकता है और imperative sentences का basic बनाया जा सकता है। इन दो special types यानी auxiliary verb यानी modal verb और imperative sentences के अलावा क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आने वाले कुछ एक्टिव सेंटेंसेस भी होते हैं जो हमें आने चाहिए। आप सेंटेंस को देखिए, बहुत ही छोटे दो एग्जांपल से हम इसे समझेंगे। जब सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड हु होता है तो वो एक क्वेश्चन बन जाता है, यानी हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, सब तरह के WH जो वर्ड्स होते हैं उनसे एक सेंटेंस क्वेश्चन में बदल जाता है, प्रश्न बन जाता है। Who broke the glass? यहाँ पर सेंटेंस कहता है कि ग्लास किसने तोड़ा, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है। जब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो who को by whom कर दिया जाता है, जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं हमारा पैसिव है who का by whom, और चूंकि broke जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट, और पास्ट के लिए हमें जरूरत होगी was और were की, जैसा मैंने आपको बताया प्रेजेंट की टू बी वर्ब इज एम आर होती है, पास्ट की वाज वेयर और फ्यूचर के लिए विल बी शैल बी, तो यहां हमें चूंकि यहां पास्ट सिंपल यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म है और सेंटेंस पास्ट सिंपल का है, इसलिए हमें पास्ट की वर्ब्स चाहिए होंगी हेल्पिंग वर्ब्स, तो हम वाज और वेयर का इस्तेमाल करेंगे। चूंकि सिंगुलर सेंटेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट वाला, इसलिए वाज का इस्तेमाल होगा, वाज The glass broken. By whom was the glass broken? Broke का third form broken हो जाएगा क्योंकि broke उसका second form है। तो who को by whom में convert करके हम आसानी से उस sentence को basic बना सकते हैं। आप इसी तरह का एक और example देखिए। Look at another sentence. Here is an active sentence says who sings this song daily?
Sentence says, who sings this song daily? Again, we have the same subject, who. And the sentence is of present simple. How do we know that? Because there is the first form of the verb. In the previous sentence, there was second type. But in this, there is first type of verb, means first form of verb, sings, which shows that this sentence belongs to present simple. Then our sentence is, who sings the song daily? When we convert this into passive, we will need is, am, are as helping verbs. And here, since the same thing is there, singular subject is there, who will be converted into by whom? Here it was. Here it is. By whom is this song? Because this song is object. By whom is this song sung? Because sung is the third form of sing. Sung daily. So our solution will be, by whom is this song sung daily? So in this way, you can solve these questions of active, of question words. Question words are who, what, where, when, why, and many like that. So I hope you understood it well. Iske baad aap in sab ki do do char char sentences se practice karein aur active way se acche se solve karein. Exam ke point of view se bhi important hai aur communication acha karne ke liye bhi aapko dono hi type ke sentences aane chahiye. So this was the fifth part of our video, active and passive voice, and here we complete this particular section. Till next video mein hum grammar ke agle sections ko cover karenge. Inki practice acche se kare, prepare them well, do well. Till then, thank you very much.